हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को नमस्ते। तो मैं आज बनाऊंगी सरसों वाली कदीमा बड़ी की सब्जी। तो यहाँ पर देखिए, मैं कदीमा को छोटे छोटे पीसेज में काट करके धो ली हूँ। इसे आप कदीमा, कोहरा, कद्दू, सीताफल जो भी चाहे बोल सकते हैं, हम लोग इसे कदीमा बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं रेडीमेड बड़ी ली हूँ उड़द दाल की, इसे मैं सब्जी में डालूंगी। यहाँ पर देखिए, आधी चम्मच सरसों ली हूँ, आधी चम्मच धनिया ली हूँ, आधी चम्मच जीरा ली हूँ, 4 लाल मिर्च ली हूँ, 10-12 काली मिर्च ली हूँ, 1 गांठ लहसुन ली हूँ। चलिए मैं इसका पेस्ट बना ले रही हूँ। ये देखिए, मसाला का मैं पेस्ट बना ली हूँ। तो चलिए बनाना शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दी थी, तेल भी डाल दी हूँ, गर्म हो गई है। अब मैं इसमें बड़ी को डाल दे रही हूँ, इसे मैं भूंज लूँगी। इसे मैं लाल करके भूंज लूँगी। देखिए, हमारी बड़ी लाल हो गई है, मैं इसे निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, सेम तेल में मैं इसे भूंज ले रही हूँ। इसमें मैं आधी चम्मच से थोड़ी सी कम नमक डाल दे रही हूँ। कितना ही मुझे इसे भूज रही है, मैं इसे भी निकाल ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए, पंचफोरन में ले ली हूँ, इसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ। 1 तेजपत्ता है, इसे भी तोड़ के इसमें डाल दे रही हूँ। 2 चुटकी हींग डाल दे रही हूँ। मैं ये मसाला डाल दे रही हूँ। मैं इसमें प्याज नहीं डाली हूँ, आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डाली हूँ। यहीं पर आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ। यहीं पर मैं इसमें 2 टमाटर को काट ली हूँ, इसे भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं टमाटर की जगह। अब स्वाद अनुसार मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ। पहले भी मैं थोड़ी सी नमक डाली थी और अभी थोड़ी सी अभी भी डाल दी। आप नमक और तीखा अपने हिसाब से लीजिएगा। अब मैं इसे थोड़ी देर ढक दे रही हूँ ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए, हमारी टमाटर अच्छी तरह से पक गई है और मसाले भी भुंजा गई है। थोड़ी देर में इसे और भूंज ले रही हूँ। अब मैं इसमें इस कदीमा को डाल दे रही हूँ, इसे भी मैं अच्छी तरह से भूंज लूंगी। दोनों को थोड़ी देर और भूंज लूंगी। थोड़ी देर और ढक दे रही हूँ। ये देखिए, हमारी सब्जी मसाले सभी अच्छी तरह से भुंजा गई है। अब मैं इसमें ये बड़ी को डाल दे रही हूँ। अब ग्रेवी अनुसार मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। इसे पकने के लिए मैं इसको ढक दे रही हूँ। सब्जी हमारी बन के रेडी हो गई है, बड़ी भी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं इसका गैस बंद कर दे रही हूँ। यहीं पर मैं इसमें ये धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कदीमा बड़ी की सरसों वाली सब्जी बन करके रेडी हो गई है। ये देखिए, इसे आप रोटी, चावल, पराठा, पूरी जिसके भी साथ चाहे खा सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।